सो हेलो गाइस, अभी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ बहुत ही सुपर्ब कि मैं एग्जैक्टली बालकनी में कैसे खड़ा हूँ। इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री। जिम कॉर्बेट। यस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ जो है काफ़ी बैठ चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम आए हैं केरला में और अभी हम लोग फिलहाल प्रेजेंट हैं मुन्नार में। मुन्नार बहुत ही फेमस जगह है केरला का, हिल स्टेशन आप बोल सकते हो। और रात को हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो हमें कोई भी सेंस नहीं था कि इस होटल के यानी इस रिसॉर्ट के आसपास इतना बेहतरीन व्यू हो सकता है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ मेरी बालकनी में, मैं और आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये व्यू एग्जैक्टली है कैसा। आवाज़ बैठी है क्योंकि मौसम चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ एंड कल हम लोग बहुत मस्ती करते हुए आए। अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 7:45। मैं उठ चुका हूँ, मेरी वाइफ भी उठ चुकी है एंड वो बालकनी में बैठी हुई है, जो व्यूज़ है उसको एक्सप्लोर कर रही है। तो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ यार, मेरे जो व्यूअर्स है वो क्यों रहे पीछे। तो चलो चलते हैं बालकनी की तरफ। 1, 2 एंड 3। जी हाँ गाइस, ये रहा व्यू। एक बार मैं आपको पूरा एक पैनोरमिक पूरा शॉट लेके दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन तरीके से ये व्यू दिख रहा है। और ये रहा अपना होटल, ठीक है। और ये रही, गुड मॉर्निंग बोल दो व्यूअर्स को हमारे। तो ये सुबह सुबह उठ चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो चेहरे पे बैंड बजा हुआ है सबके। और ये जो दिख रहा है आपको, ये बाजू वाला हमारे ही फ्रेंड का है, ठीक है। आई गेस इसमें शुभनंदन रुका हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये बाजू वाला बालकनी अभी दिख रहा है, इसमें संदीप रुका हुआ है। और नीचे की तरफ भी है, आप देख सकते हो नीचे उसमें जय रुका हुआ है। यहाँ पे दूर आपको दिख रहा है क्या, वो झरना इतना स्पीड से बह रहा है। आई गेस आपको ये व्लॉग में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग को रात भर वो उस झरने की गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वाटरफॉल की। तो रात में तो हमें ये सब प्लांटेशन कुछ नहीं दिख रहा था, बट हम लोग को ये उम्मीद थी कि जैसे ही हम सुबह उठेंगे हम लोग को नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। सो हेलो गाइस, अभी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ बहुत ही सुपर्ब कि मैं एग्जैक्टली बालकनी में कैसे खड़ा हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग में जैसे ही बालकनी का व्यू आपको मैंने दिखाया, बहुत ही खूबसूरत, अभी हम लोग डिसाइड किया कि थोड़ा यार 5-10 मिनट वॉकिंग पे निकलते हैं। और ये संदीप सर भी उठ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं शुभनंदन को उठाने के लिए, देखते उठाए कि नहीं। यही है ना, सब लोग का डिसाइड हुआ था कि 7 बजे हम लोग उठेंगे और 7 बजे हम लोग सब लोग मिलेंगे, लेकिन अभी तक शुभनंदन सोता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लास्ट वाला रूम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है जयचूरी का रूम। मिस्टर शुभनंदन दुबे, अभी भी नींद में हो क्या आप? और ये है मिस्टर शुभनंदन दुबे, बहुत जल्दी उठ चुके हैं 7 बजे का बोल के, ठीक है, अभी भी एकदम गहरी नींद में सोते हुए। वो ये पेड़ी पूरा जैकफ्रूट का, ये दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रुको यार, दिख रहे जैकफ्रूट। और हम उतरते हैं सीढ़ियाँ। अभी एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं जयचूरी के पास। लॉन्ड्री सर, लॉन्ड्री। जयचूरी को हमने कॉल किया। लॉन्ड्री सर। अच्छा, बाहर आ ले आइए, आइए तब कर आइए, दरवाजे पे खड़े हैं। देखो ये उठ के आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुभनंदन को भी बोला है, पता नहीं आया कि नहीं। तो मैं वाला उठ के आ जा भाई, थोड़ा आदमी निकलते हैं बाहर। फाइनली हमारी सवारी निकल चुकी है सुबह सुबह चारों लोग, ठीक है। एंड भारी मुद्दे पे डिस्कशन अभी हो रहा है गाइस, एकदम वो भारी मुद्दा ये है कि अभी हम लोग 7:30 ऑलमोस्ट हो रहा है। मुद्दा ये है कि हम लोग को अभी जाना का है। तो अभी फिलहाल हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे हमारा पैकेज में इंक्लूडेड है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन स्टिल डिस्कशन। और कपड़े क्या पहनने, ये बोल रहा है कि मैं यार ट्रैक पैंट ही पहनने वाला है, ये बोल रहा है मैं विंड सीटर ही पहनने वाला है। हम लोग का कुछ है ही नहीं, हम लोग देखो शॉर्ट्स पहने हुए गाइस, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट्स पहने हुए, कोई दिक्कत ही नहीं हम लोग को। तो हम लोग चलता है ऐसा, मजा आ रहा है। वेरी डेंजरस, या वेरी डेंजरस। और गाइस ये देखो, राहुल जायसवाल सर फोटोग्राफ के लिए एक नया फोटोग्राफर हायर किया। और कैमरामैन आपका क्या कहना है? कैमरामैन इसका नहीं निकालेगा, संदीप कटकरी का फोटो नहीं निकालना है। नवाब आज तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड हम जा रहे हैं अभी तैयार होके। और सबसे पहले हम लोग करेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है और बाकी दो तीन लोग आने बाकी है। ब्रेकफास्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड और धूप निकल गया है, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 9:30। ठीक है, हम रेडी तो पहले से ही हो चुके थे, बस वेट कर रहे हैं बाकी लोग के ब्रेकफास्ट करने का। ये अनवी देख सकते हो आप लोग, आ जाए हूँ ना यहाँ पर। हाथ छोड़ो, आ जाओ आ जाओ, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो बाबू, हाथ छोड़ो बाबू, मैं हूँ, मेरे को भरोसा नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं यार तुमको, अरे हाथ तो हट जाएगा बाबू। ये हमारी पार्टी हो रही है, बस जर्नी फिर से स्टार्ट। बस नहीं, क्या ये इम्पोर्ट ट्रैवलर बस सर्विस बोल रहा हूँ। फिर से हम स्टार्ट हो चुके हैं हमारी जर्नी और सभी मेंबर्स। अभी हम लोग आ चुके हैं एर्नाकुलम नेशनल पार्क में और पीछे आप देख सकते हो यार ये पहाड़ों का व्यू, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हुए। सो वी आर इन द एर्नाकुलम नेशनल पार्क, दिस इज द एंट्री गेट एंड चलो चलते हैं अंदर। और आ गए हम लोग अंदर, चलो देखते हैं इसमें क्या है। हम लोगों को पता, हम लोग ने ऑनलाइन टिकट ऑलरेडी बुक कर दिया था तो हम लोग को टेंशन नहीं है। Have you heard about Vanama Utsava? So do you know who started Vanama Utsava? No idea. Give you a simple question. Okay. Which is the first national park in the country? Jim Corbett. You did a nice job, man. So you'll be getting one ticket free for Vajuria. Yeah. Nice. अभी हम जा रहे हैं बस बे से बस की तरफ एंड वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, बस में बैठेंगे और सीधा हम जाएंगे जंगल में मंगल करने। शेर देखने भाई। शेर देखने जाएंगे, शेर दिखेगा क्या? वाव यार धीवरा, उसको पूछना। सो गाइस वी आर ऑलरेडी इन द बस। चलो टॉप पे आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और अभी हम लोग यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। फाइनली एक पॉइंट पे हम लोग आए, इधर पे एक चबूतरा बना हुआ है और जहाँ तक हमें सुनने में आया है कि यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड गोट मिलेंगे हमें देखने। oh my God, तो हम सोच रहे हैं कि वाइल्ड गोट को क्या ही देखना। तो गाइज अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिडल में आ चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ना है। अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी ये बहुत ऊंचा पहाड़ है और इधर पे देखो लोग दिख भी रहे हैं, मतलब यहाँ से लोग चढ़ के आ रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट। तो उतना ऊंचा है यार, हमारे जाने की ताकत बची नहीं है, तो इससे अच्छा हम वापस से चलते हैं और कुछ और लोकेशन देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं फटाफट वापस बस पकड़ के। सो वापस से जाने के लिए निकल गए हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं, ये बस खड़ी है हमारी वापस चढ़ने। एर्विकुलम नेशनल पार्क से अभी ऑलमोस्ट हम लोग निकलने जा रहे हैं एंड फिर देखते हैं हमारे जो गाइड है, ड्राइवर है, उनसे पूछते हैं कि हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या है। सो गाइस फाइनली हम लोग टी म्यूजियम में आए हैं जो कि मुन्नार के कुछ 20 किलोमीटर्स के रेंज में ही है। यहाँ पे सब लोग उतर चुके हैं और कुछ फोटोशूट्स एंड ऑल बाकी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो व्यू है वो आपको दिख रहा होगा। अभी चलते हैं अंदर। हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ टीज, तो
ये के बारे में जिंजर टी, ये सुमिरंदन का क्या है, लेमन टी, लेमन टी, लेमन टी, इसके पास कुछ नहीं है, घंटा, घंटा टी, घंटा टी, ये है लीफ टी, लीफ टी, लीफ टी, अपने घर पे चाय होती है, अपने घर पे चाय, काजू मिंट टी, इलायची वाली चीज, ठीक है, मार्शमेलो तो आ रही है, मतलब पत्ती, फ्रेश वाली पत्ती, इसलिए तो इतना, तो बनेगा ही नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो गाइस अभी हम लोग सीधा सीधा चल के जा रहे, चाय तो हमने पिया, बहुत टेस्टी चाय थी, तो वो चाय उगती कैसे करीब से देखते हैं, वो प्लांट्स एक्चुअली कैसा दिखता है, जा रहे थोड़ा ऊपर की तरफ, तो गाइस देख सकते हो ये यहाँ पे हम लोग आए, ये पूरा टी प्लांटेशन है, यही सब टी है और यही लीव्स होते हैं, इसी को मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं वैसे, मतलब वराइटीज़ होते हैं, इसी को ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है और मार्केट में फिर बेचा जाता है अलग अलग ब्रांड नेम से। एक्सप्लोर कर लो ये टी गार्डन और कैसे टी। तो गाइस अभी शॉप में इतने सारी चीजें हम लोग ने खरीद ली है, आप देख सकते हो ये इतने सारे टी, और ये शुभनंदन बेचेगा जाके विरार में जाके बेचेगा। तो गाइस निकल चुके हैं एक बार फिर, गोइंग ऑन आवर नेक्स्ट लोकेशन, दिस इज द डैम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने, आप देख सकते हो। हाँ तो गाइस अभी हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट फॉर हैविंग आवर लंच, एंड ये रहा पीछे रेस्टोरेंट, खा पी के एकदम मजबूत तरीके से डर ना खा लिया है यार, हिलने की कैपेसिटी नहीं, हम नींद आ रही है, लेकिन वापस से ट्रैवल करना है और हम लोग भी जाते हैं यार, और बस हमारा क्या है वो टेम्पो में चढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टेम्पो ट्रैवल नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइस बहुत हो गया हमारा आज का घूमना फिरना, काफ़ी थक चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हमारे होटल, तो मिलते हैं होटल के अंदर। तो गाइस कमरे में आ चुके थे और कमरे में आके मैंने चेंज कर लिया, और मैंने आप देखोगे तो शॉर्ट्स डाला हुआ है आज, थोड़ा सा होटल हम लोग जल्दी पहुँचे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो शायद अगला जो दो दिन है हमारा वो भी हेक्टिक हो जाएगा, तो वी हैव डिसाइडेड कि आज थोड़ा सा लाइक बैठेंगे, बातें शाते करेंगे, थोड़ा सा स्नैकिंग करेंगे, तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं जयचूरी के रूम में और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी टाइम पास करने वाले, और हमारे पास है कैरम, ठीक है, कैरम है हमारे पास और म्यूजिक भी प्ले हो चुका है और सब लोग एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मज़ा करने के लिए। उसको सत्ती खेलने नहीं, तो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक बॉन फायर इवेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हो बीच में ये है लकड़ा, इसको जलाया जाएगा, जिसको बॉन फायर बोलते हैं, हमारा बॉन फायर जो है वो जल चुका है एंड इज द हैंडलर, वो जला रहा है, बस हो गया और पीछे मस्त पहाड़ का व्यू है ना हमारे। द स्टार्ट थ्री वर्ड्स, ओके थ्री वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड इज रन, रन रन होने वाला है, रन चला गया, गया गया, गॉन, रन गॉन, रन गया, रन गो, रनवे, रांझणा, रांझणा, हीरोइन के नाम का पहला कोई तो वर्ड, कोई तो वर्ड डिस्क्राइब करो। तो फाइनली गाइस रात के 12 से ज्यादा बज गए और काफी ज्यादा नींद आ रही है, दम शरट वगैरह खेल के हो गया एंड बाकी जो डिनर वगैरह था वो भी कर लिया, तो चलो अभी आज के इस दिन को और इस वीडियो को भी एंड करते हैं इसी के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही और भी व्लॉग्स हम कंटिन्यूसली लाते रहेंगे जहाँ जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे साथ चैनल पर बने रहना और चैनल पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, एंड प्लीज़ सभी को बताओ कि मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर टू, फर्स्ट टाइम चैनल पे आया ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।